हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान पुंज विथ एसके। तो हम लोग पिछले क्लास में सेल में माइटोकांड्रिया तक देख लिए थे। अब माइटोकांड्रिया के बाद हम लोग देखेंगे गॉल्जी बॉडी, स्थानी और सेंट्रोसोम के बारे में देखते हैं। तो ये क्या करता है कि ये शरीर में परिवहन का काम करता है। आप लोगों को हम बताए थे कि माइटोकांड्रिया में जो है ऊर्जा बनती है उसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं। उसमें क्रेब्स चक्र चलता था जिसमें O2 से 38 ATP बनता था और उसके बाद कोच का निर्माण होता था जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में संचित रहती थी। तो अब उस ऊर्जा को सारे शरीर में कौन हर जगह पहुंचाए, तो उसके लिए क्या है कि गॉल्जी बॉडी है जो कि परिवहन का काम करता है। जैसे हम तो मतलब जैसे हम लोग कोई काम करते करते थक जाते हैं, जैसे हम मुँह से बोल रहे हैं तो इसमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन जब हमारे मुँह की ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम धीरे धीरे बोलने लगेंगे। तो जो पैर हमारा कोई काम नहीं कर रहा है, और इससे क्या होगा कि इससे ऊर्जा जो है गॉल्जी बॉडी हमारे मुंह तक ले जाएगी जिसकी वजह से हम बोल पाएंगे। तो मतलब गॉल्जी बॉडी जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों से मतलब ऊर्जा का परिवहन करने का काम करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वैकुल। वैकुल क्या है, राजधानी। यह क्या करता है कि यह वाटर को अब्जॉर्ब करता है। जैसे हमारे शरीर को तो मतलब हम लोग तो हमेशा पानी पीते नहीं हैं, तो जो हमारे तो हम लोग तब पर भी ज़्यादा देर तक रह जाते हैं क्योंकि जो राजधानी होता है ये वाटर को अब्जॉर्ब करके रखता है, जिसके वजह से हम लोग अगर कुछ देर पानी ना भी पिए तो पानी की कमी महसूस नहीं होती है। और हमारे 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 शरीर में जो है इसका साइज छोटा होता है क्योंकि हम लोग कुछ देर तक पानी पिए रह सकते हैं और हमें उतना ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें इसका साइज बड़ा होता है क्योंकि उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए उनमें जो है राजधानी की साइज जो है वो बड़ी होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मतलब ये जो जितने हैं आप लोगों ने देखा प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति तो खैर प्लांट में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, वैकुल, सेंट्रोसोम, ये सब जो है वो जैसे यहाँ पे हम लोग का कोशिका हो गया इसी में सब छोटे छोटे सारे इसी के अंदर रहते हैं, और यहाँ जो बीच में न्यूक्लियस होता है इसके किनारे किनारे सब रहते हैं। तो यहाँ पे जो कोशिका के अंदर है वो सेंट्रोसोम पाया जाता है। तारक का है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तारक का है। इसकी खोज जो है बोबड़ी ने की थी। तो यहाँ पे यह क्या करती है कि यह कोशिका विभाजन का काम करती है। मतलब सेंट्रोसोम का काम क्या है, कोशिका विभाजन का काम करना। जैसे हमारे शरीर में कोई कोशिका है वो थोड़ी बड़ी हुई, जैसे यहाँ पे कोशिका है, और ये क्या हुई कि ये क्या करेगी कि कोशिका विभाजन का मतलब कि ये नहीं टूटेगी, ये क्या करती है कि ये कुछ बड़ी होती है, जैसे यहाँ पे कुछ बड़ी हो गई तो यहीं से दो टूट जाएंगे और दो अलग अलग कोशिका बन जाएंगे, यहाँ पे दो अलग अलग कोशिका बन जाएंगे। तो ये मतलब कोशिका विभाजन का काम करा देती है। सबसे ज़्यादा जो कोशिका विभाजन होता है वो लीवर में होता है, जिसके वजह से लीवर खराब नहीं होता है। अगर वो हल्का फुल्का खराब हुआ तो वो खुद से ही ठीक हो जाता है क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन बहुत जल्दी जल्दी होता है। और इसके एग्जाम्पल है छिपकली के पूँछ, गैंटा, लीवर, इन सब में क्या होता है, इन सब में जैसे छिपकली का पूछ देखिए आप लोग काट भी देंगे तो फिर तुरंत कोशिका विभाजन से कुछ दिन के बाद उसका पूछ फिर से आ जाता है। और सबसे कम कोशिका विभाजन जो होता है वो ब्रेन में होता है, वहाँ अगर चोट वोट लगा तो अगर अंदर में तो उसको ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है। लीवर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है जिसकी वजह से कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। और ब्रेन में कैंसर जो होता है वो न्यूरॉन सेल है, इसमें तो कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, लेकिन ब्रेन में तब पर भी कैंसर हो जाता है। इसका कारण ये है कि न्यूरॉन सेल तो 90% पाया जाता है, लेकिन उसमें जो है ग्लियल सेल जो कि 10% होता है, और इस ग्लियल सेल में कोशिका विभाजन होता है, इसी वजह से ब्रेन में कैंसर का खतरा मतलब कैंसर होता है। अब सेंट्रोसोम तो हम लोग पढ़ लिए। सेंट्रोसोम का क्या करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। वो मतलब तुरंत नई कोशिका तुरंत बन जाएंगी, जैसे एक कोशिका है वो अगर बड़ी हुई तो फिर वो दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, अंत प्रदय जालिका। ये जो है ये जो हम लोग हमारा शरीर जो फूला फूला रहता है इसमें झुर्रियाँ नहीं आती हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे शरीर में अंत प्रदय जालिका पाई जाती है। ये हमारे शरीर को पचकने से रोकता है, और ये जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर कंकाल की तरह होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो होता है ये क्या होता है, ये हमारे शरीर में फैट
वसा का निर्माण करता है जिसकी वजह से हम लोग थोड़े फूले फूले से लगते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वसा का निर्माण करता है, और वही जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और अगर और इसकी जो सतह वसा है, तो वसा जिस चीज़ में वसा रहेगा इसकी सतह कैसी होगी, चिकनी होगी। तो इसकी सतह जो होती है वो चिकनी होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करती है, वो प्रोटीन का निर्माण करती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसकी इसके ऊपर मतलब कुछ छिद्र छिद्र टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये प्रोटीन का निर्माण करती है। रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, फैट का निर्माण करती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो छिद्र छिद्र टाइप का होता है वो उसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। जो कि और आप लोग ये भी देखिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करती है, और प्रोटीन का निर्माण अब उसमें राइबोसोम पाया जाता है। और तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो राइबोसोम। तो प्रोटीन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को राइबोसोम के बारे में बताएंगे। आज का क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं।